पर दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसे किस तरीका से ऋषि को पता चलेगा और ऋषि वहां पर पहुंचकर उस बैग को जिसमें बम है उसको फेंकने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि अपने होते हुए कभी भी लक्ष्मी को किसी भी संकट में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि आज के समय में इतने ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं लक्ष्मी से कि लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हालांकि दोस्तों मलिष्का इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मलिष्का का मानना ये है कि अभी तक भी लक्ष्मी की चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और लक्ष्मी आज भी ऋषि के दिल और दिमाग में है, मुझे किसी भी तरीका से निकालना होगा। आप लोग जानते हैं कि नीलम ने जिस तरीका से बोला था, क्योंकि नीलम ने बोला था मलिष्का से कि मलिष्का तुम्हें साई की तरह ऋषि के साथ रहना है ताकि ऋषि का ध्यान किसी भी तरीका से लक्ष्मी की तरफ जाए नहीं। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी की तरफ जाएगा भी और ज़रूर जाएगा, क्योंकि ऋषि का ध्यान मलिष्का की तरफ आया ही नहीं है जो वो लक्ष्मी की तरफ ना जाए, क्योंकि उसका ध्यान ऋषि का आज भी लक्ष्मी की तरफ ही है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ अलग करने वाले हैं ऋषि। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऋषि यहाँ लक्ष्मी की जान तो बचाएंगे ही, लेकिन दोस्तों वहीं पर मलिष्का इस समय सबसे ज़्यादा नफरत करती हुई नज़र आने वाली है कि आखिरकार ये मेरे ज़िंदगी में लक्ष्मी पनौती बनकर क्यों आई हुई है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी पनौती बन के नहीं आई हुई, बल्कि यहाँ पर तो मलिष्का ही पनौती बनी हुई है, वो भी लक्ष्मी और ऋषि की ज़िंदगी में। हालांकि दोस्तों इस समय ऋषि ने प्लान बना लिया है कि सभी घर वालों से वो बात करेगा और सीधा सीधा बोलेगा कि मुझे मलिष्का से शादी ही नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि नया टू स्टोर देखने को मिलेगा, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो।